नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक अन्य पोस्ट के बारे में, जिसकी वैकेंसी सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में निकली है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। जो पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीई और बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमसीए और बीएससी होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए AICTE, UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए, और 55% होना चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और गेट स्कोर जो है वो स्पेसिफाइड है। कैंडिडेट जिनके पास ME और MTech की डिग्री है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ये 2022 का स्कोर भी होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट डाटा एनालिस्ट। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो BE और BTech, ME या फिर MTech होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, MSc होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑपरेशंस रिसर्च, और MA होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, और MCA और BSc होनी चाहिए। साथ ही रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए AICTE से, UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए, और 55% होना चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और गेट स्कोर स्पेसिफाइड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट गिवन है जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है इस तरह से एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे एज लिमिट गिवन है जो 22 से 27 ईयर्स। साथ ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दोस्तों यहाँ पे गिवन है, तो जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो है 150। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ निकली हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी रिजर्व है उसके बारे में भी जानकारी गिवन है, और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है वो भी गिवन है। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए निकली है 144 वैकेंसी, और असिस्टेंट डाटा एनालिस्ट के लिए निकली है 6 वैकेंसीज। स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 25 अप्रैल 2022, लास्ट डेट है 24 मई 2022। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली, और एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी गिवन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी गिवन है यहाँ पे, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी डिटेल में मिल जाएगी, और आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है, पर अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे के रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ, तो रिप्लाई करके डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए ही बनाया गया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के बने, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड अन्य जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।